हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकली है वो आपकी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें आपकी किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रखी गई हैं। बिहार बीपीएससी 69th नोटिफिकेशन 2023 आपके रिक्रूटमेंट है वो आपके रिलीज किए गए हैं, और इसमें आपकी जो अप्लाई लिंक है, सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिहार बीपीएससी 69th रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं। पर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी है। पोस्ट नेम आपका वेरियस सिविल सर्विस पोस्ट है। अटैच जो नंबर है वो आपके बीपीएससी 69th कम्बाइंड प्रीलिमिनरी एग्जाम 2023 है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 346 पोस्ट है। लोकेशन आपकी बिहार रहने वाली है। सैलरी आपकी वेरियस पोस्ट वाइज रहने वाली है। अप्लाई लास्ट डेट आपकी 5/8/2023 है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी @bpsc.b.nic.in है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 15/7/2023 है। लास्ट डेट फॉर्म की आपकी 5/8/2023 है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व बीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी की आपकी 600 रुपए फीस है। अदर स्टेट की आपकी 600 रुपए फीस है। एससी एसटी की आपकी 150 रुपए फीस है। फीमेल कैंडिडेट बिहार की आपकी 150 रुपए फीस है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट एज ऑन 1/8/2023 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम एज है वो आपकी 20, 21 और 22 ईयर पोस्ट वाइज आपकी रहेगी। मैक्सिमम एज है वो आपकी 37 ईयर है, और मैक्सिमम एज फॉर फीमेल की आपकी 14 ईयर है। एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बीपीएससी 69th नोटिफिकेशन 2023 वैकेंसी के बारे में हम यहाँ देखते हैं तो आपकी पोस्ट नेम सिविल सर्विस वेरियस पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 346 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है। पोस्ट वाइज हम अगर देखें तो आपकी इसमें आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं कि आपकी कौन सी पोस्ट के लिए कितनी आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें सबसे पहले आपकी प्री रिटर्न एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम है वो आपको यहाँ पे देना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस आपके जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे। फिर उसके बाद आपका जो मेन एग्जाम होगा वो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट ने रिटर्न एग्जाम आपने पास किए हैं उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपके सब्जेक्ट नॉलेज आपकी यहाँ पे देखी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद आपका किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम आपका होगा। एग्जाम पैटर्न 2023 के बारे में अगर हम देखें तो आपका प्री एग्जाम में आपके जनरल से टोटल मार्क्स आपके 150 होंगे। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर रहने वाला है। मेन एग्जाम में आपकी जनरल हिंदी में आपके 100 मार्क्स रहेंगे। 3 आवर आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में आपके 300 मार्क्स का होगा और 3 आवर आपका टाइम ड्यूरेशन है। जनरल स्टडी पेपर टू में आपके 300 मार्क्स रहेंगे। 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। ऑप्शनल पेपर में आपके 300 मार्क्स रहेंगे और 3 आवर्स आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट बीपीएससी 69th ऑनलाइन फॉर्म 2023 के लिए अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, इसमें आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।